हेलो, धन्यवाद संदीप सर। और सबसे पहले आए हुए तमामों दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। और चलते मैदान की तरफ। और यहाँ पर देखिए ऊपर पिच पे गेंद और उसको खेला सीधा बल्ले से, गेंद सीधा सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। हेलो आणि बाबूशाह एक मिनट, या मंचावरती त्यांचा आता इथे सन्मान केला जात आहे। ते आदरणीय नामदेव पाटील ज्यांनी 20 दिवसांमध्ये हे जे स्टँड आहेत, कारण अतिशय लाख मोलाचा काम होता आणि अर्जंटली ते आम्हाला पाहिजे होते आणि 20 दिवसांमध्ये ते स्टँड त्यांनी उपलब्ध करून दिले आणि एवढ्या प्रेक्षकांना बसण्याची एक अतिशय अप्रतिम व्यवस्था करून दिली। ते आमचे आदरणीय नामदेव पाटील वल्लभचे यांचा सन्मान या मंचावरती केला जातोय। तर शांडी शेठचे काका पांडुरंग हिलाल यांना विनंती करतोय की आपण नामदेव शेठ साहेबांचा सन्मान या मंचावरती करायचा आहे। ओटो बाबूशा। धन्यवाद संदीप सर। बिल्कुल सर, आज आखिरी दिन है, जो भी मेहमान आ रहे हैं मंच के ऊपर बिल्कुल उनका सम्मान होना चाहिए। और जाएंगे इस बार मैदान की तरफ। मैदान का हालत देखा जाए तो यहाँ पर मोरबा बनाम उलब के बीच में मुकाबला है। बिल्कुल हमारे स्कोर जानकारी देते हुए और खेला यहाँ पर, गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे और लगता हुआ यहाँ पर पहली झटका उलब टीम को। तर याच दरम्यान संतोष म्हात्रे, भरत चौधरी आणि दत्ता भोपी हे मान्यवर इथे आले आहेत, त्यांना विनंती असेल की आपण मंचावरती यायचं आहे। आणि जिग्री ग्रुपचे मेंबर सर्वांना विनंती असेल, जिग्री ग्रुपचे सर्व मेंबर यांना विनंती असेल शांडी शेट यांच्या माध्यमातून की आपण मंचावरती यायचं आहे। ओटो बाबूशा। धन्यवाद संदीप सर। मोरबा बनाम उलब के बीच में मुकाबला और पहली सफलता यहाँ पर उलब टीम को मिलता हुआ, टीम का टोटल 9 रन। और जिन दर्शकों इस मैदान के ऊपर देर से आए उनका भी शुक्रगुजार करना चाहेंगे और पूरी मान्यवर जो हमारे मैच के ऊपर है। और मोरबा टीम के कप्तान ने यहाँ पर टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद चॉइस टू बॉल फास्ट और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया उलब टीम को। याचा पुढचा होणारा सामना दिगोडे वर्सेस अंजूर, या दोन्ही संघांनी एक इनिंग संपल्यानंतर लगेच नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। दिगोडा आणि अंजूर या दोन्ही संघांच्या संघनायकाला विनंती असेल की इनिंग संपल्यानंतर लगेच आपण यायचं आहे। बाबूशा। धन्यवाद संदीप सर। हमारे आयोजकों का भी तारीफ करना चाहेंगे। आज अनिल डुपरी बिल्कुल सज सवरकर ऐसा लग रहा है, चीफ गेस्ट बड़े यहाँ पर गेस्ट के रूप में होना चाहिए। और जो कल का बैलेंस मैच रखा गया है बिल्कुल, क्योंकि ये मैच रखा गया है दर्शकों के लिए, दर्शकों का भीड़ हो चुका था, रात 2:30 हो चुका था, तो इसलिए हमारे आयोजकों ने सोचा कि इस मुकाबला को कल क्यों ना और थोड़ा रंगीन बनाया जाए। लेकिन मैदान के ऊपर देखा जाए तो उलब टीम का थोड़ा सा हालत नाजुक है। और मैदान के अंदर प्रवीण तेंबे आए तो आपके स्वागत है। बिल्कुल एक प्रवीण तेंबे अच्छी कॉमेंटेटर है, लेकिन बल्लेबाज किनारा दिया और गेंद देखते देखते सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल सर, मौसम का इजाजत है और तन्हाई का मौका है, अरे जी भरकर लगाओ पटाखा, किसने तुम्हें रोका है। बिल्कुल सर, यहाँ पर बिल्कुल इसी बीच हमारे संतोष म्हात्रे साहब रिफ्रेश के आ चुके, उनका स्वागत है। और उनके साथ पर हमारे बड़े हस्ती बिल्कुल सामान्य पर भगत चौधरी साहब भी यहाँ पर तशरीफ रख चुके हैं। आपको भी इस टूर्नामेंट के माध्यम से हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा।
और मान्यवर दत्ता भोपीश आपको भी इस राजवीर चषक 2017 के माध्यम से बहुत बहुत शुभेच्छा। और चलते यहाँ पर मैदान की तरफ, टीम का टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 14 रन बन चुका है और पहला ओवर यहाँ पर खेल समाप्त होने के बाद दूसरा ओवर का दूसरा गेंद, बिल्कुल से गेंदबाज फिर से एक बार तैयार और इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन जैसे गेंद देखा ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया यहाँ पर और अंपायर यहाँ पर जानकारी देते हुए यहाँ पर वाइड गेंद, बिल्कुल से वाइड की जा फंसी, टीम का टोटल जा पहुंचा यहाँ पर 15 रन। सुपर हिट का मुकाबला है तो दोनों टीमों के लिए यहाँ पर करो या मरो का मुकाबला, तो इस हालत में यहाँ पर और यहाँ पर फुल टच बनाकर खेला गया, वाइड स्पीड पर फील्डर तैनात थे और लगता हुआ यहाँ पर वोलाफ टीम को निखिल के रूप में दूसरा झटका। तो बिल्कुल यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ निखिल जो एक सलामी बल्लेबाज के लिए रूप में मैदान के ऊपर उतरे थे, लेकिन एक खुशखबर और निर्माण क्रिकेट क्लब देवी चपड़ा जिनके माध्यम से मार्च फर्स्ट पर जो डाइट प्रतियोगिता का बिल्कुल से आगाज हो चुका है और पहला प्राइज है 1,50,000 और जिन्हें संपर्क करना है बिल्कुल से बालचंद्र पाटिल से विजेश मात्रे और विकास मात्रे उनसे संपर्क कर सकते हो। निर्माण क्रिकेट क्लब दबी जबड़ा मार्च फर्स्ट में नाइट प्रतियोगिता का बिल्कुल से ऐलान होता हुआ और बची हुई गेंद की बात करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखिए बड़े विकेट, गेंद सीधा जाता हुआ तारामंडल 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर, सही बताया अभी तो पार्टी शुरू हुई है लेकिन टीम का टोटल जा पहुंचा 21 रन और मुकाबला खेल रहा है मुरबा बनाम उलब के बीच में। एक मुरबे के एक बेहतर कमेंटेटर पिंटू मात्रे जो काफी सालों से कमेंटेटर करते आ रहे हैं और एक उभरते हुए सितारे प्रवीण तेंबे अगर इस मुकाबला को देख रहे हैं तो आपको हार्दिक शुभेच्छा इस टूर्नामेंट के माध्यम से। नखिस बाबूशा येणाऱ्या 21 ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान पेंदर जीसीसी पेंदर चॅम्पियन्स ट्रॉफी 21 ते 26 फेब्रुवारी 48 संघांचं आयोजन पेंदर येथे होणार आहे। डेची स्पर्धा आहे, एक मोठी स्पर्धेचं आयोजन त्यांनी केलंय, तर कोणाला एंट्री घ्यायची असेल तर समाधान भोईर यांच्याशी आपण संपर्क साधा। बिल्कुल सही आपने फरमाया, यहाँ पर अभी भी काफी मुकाबला बचा हुआ है तो बिल्कुल डीजे मास्टर ने बताया कि अभी तो पार्टी शुरू हुआ है बिल्कुल से उनके अंदाज से, लेकिन बात करेंगे तो यहाँ पर उलब टीम के लिए थोड़ी सी नाजुक हालत है लेकिन इस हालत को सुधारने की कोशिश में बल्लेबाज नयन पाटिल से, लेकिन सेनापति जो प्रवीण पाटिल मैदान के अंदर मौजूद है, एक अच्छी पारी खेलना होगा जो हमने देखी थी पिछले मैच में जो 6 गेंद में आखिरी 23 रन बनाया था, अगर ये बल्लेबाज चल जाता है तो फिर कहीं ना कहीं उलब टीम का नैया पार हो जाएगा। और वाकलट टीम का बात करेंगे तो कहते हैं ना रात क्या ढली तो सितारे चले गए, गैरों से क्या कहे और जब अपने चले गए और दिल की हसरत दिल में रह गई और प्रदीप पाटिल मैदान पर तूफान उड़ाकर चले गए। बिल्कुल से एक समय लग रहा था संदीप सर के पेंदर टीम यहाँ पर मुकाबला को बचा लेगा 7 गेंद के ऊपर जब 23 रन था, लेकिन वो आखिरी गेंद का रूपेश चांदे का गेंद को छक्का लगाया उसके बाद जो डर पैदा किया वहां पर आखिरी गेंदबाज के ऊपर लगातार एक्स्ट्रा गेंदों से रनों के ऊपर रनों के ऊपर रनों और बिल्कुल से 4 वाइड गेंद हमारे नितिन पाटिल जो स्कोर और जानकारी देते हुए और यहाँ पर फिर से उड़ाया इस बार गेंद नीचे फील्डर, लेकिन बन गए फील्डर यहाँ दर्शक और दर्शक बन गए फील्डर 6 रनों के लिए। बिल्कुल यहाँ पर
संतोष मातृशब आते ही देखो यहाँ पर इनामों का बरसात, लेकिन जाएंगे मैदान की तरफ है क्योंकि मैदान का हालत कभी भी नाजुक रहता है। सुपर एट का मुकाबला है। ज्यांनी या स्पर्धेसाठी अतिशय लाख मोलाचं योगदान दिलंय बाबूशा, आपण पाहतोय की या स्पर्धेमध्ये 36 संघ खेळले आणि ही जी विकेट आहे अप्रतिम विकेट, अद्याप एकही भेगा त्या विकेटला गेली नाहीये, एवढी उत्कृष्ट विकेट त्यांनी बनवले। ते आमचे आदरणीय जगदीश भोईर नारायण गावचे ते इथे आल्यात, तर जगदीश भोईर यांना विनंती असेल की आयोजकांच्या वतीने आपल्याला विनंती आहे की या आपण मंचावरती आपलं स्वागत आहे, कारण अतिशय एक चांगलं काम आपल्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी दिलंय। ते जगदीश भोईर या मंचावरती येत आहेत, स्वागत आहे आपलं। बिल्कुल सर, धन्यवाद सुदीप सर, और जाएंगे मैदान की तरफ। पर और देखिए गेंदबाज यहाँ पर अच्छी गेंद फ्लाइट किया गेंद को और बल्लेबाज को आमंत्रण दिया था बड़ी शॉट के लिए, बल्ले का यहाँ पर हल्की एज लिया और जब तक फर्स्ट स्लिप के फील्डर से हाथों से गेंद वापस आता यहाँ पर बल्लेबाज आसान के साथ एक रन मुकम्मल करते हुए, तो इस मैच का आनंद ले रहे हैं बिल्कुल प्रवीण गायकर जो वाकड़ी के हैं बिल्कुल सर, और इस टूर्नामेंट को शुभेच्छा देते हुए बड़ी अच्छी टूर्नामेंट और अध्यक्ष साहब को भी यहाँ पर स्वागत देते हुए प्रवीण गायकर बिल्कुल आपको हार्दिक शुभेच्छा इस टूर्नामेंट के माध्यम से। लेकिन जाना होगा पर मैदान की तरफ क्योंकि मैदान का हालत अभी भी ओलप टीम के लिए थोड़ा सा स्थिति सुधरता हुआ, और यहाँ पर प्रवीण बड़ी शॉट खेला गेंदबाज गेंद के नीचे लेकिन गेंद से काफी दूर रह गए और बल्लेबाज यहाँ पर देखते देखते दूसरी रन मुकम्मल करते हुए बिल्कुल दो मौका बनाता यहाँ पर दूसरी मौका भी गवाया और टीम का टोटल इसे दो रनों की इजाफा से जा पहुंचा 31 लॉस ऑफ टू विकेट्स, बिल्कुल 31 रन बन चुका है, एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन मुरबा टीम के कप्तान ने जो टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फासला लिया था बिल्कुल उस फासला को गलत साबित करते हुए यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाज, क्रिकेट में कहते हैं साझेदारी सबसे बड़ा किरदार रहता है, तो उस साझेदारी पर बनाने का कोशिश इन दोनों बल्लेबाज का, इन दोनों बल्लेबाज चाहते हैं कि प्रवीण पाटिल का ज्यादा कोशिश रहेगा टोटल बड़ा बनाया जाए। और देखिए उछलता हुआ गेंद जिस गेंद को नहीं भाप सके और बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और सीधा विकेट कीपर के पास और लगता हुआ यहाँ पर बड़ा झटका, बिल्कुल यहाँ पर टीम का टोटल अभी भी बात करेंगे। तीसरा गेंद के ऊपर यहाँ पर विकेट मिलता हुआ 31 रन बन चुका है और बड़े बल्लेबाज प्रवीण पाटिल यहाँ पर आउट होते हुए। तो बिल्कुल यहाँ पर मैदान की तरफ बात करेंगे, यहाँ पर नए बल्लेबाज प्रवीण के आउट होने के बाद प्रतीक पाटिल बिल्कुल से एक छोटे कट के खिलाड़ी हैं लेकिन क्रिकेट में छोटा या बड़ा नहीं देखा था, और लेग पेपर के बड़ी अपील जिस अपील के पीछे जावेद फरीद और लेग बाइक के रूप में यहाँ पर रन चुराते हुए बल्लेबाज और सुनील पाटिल मेन पॉम्स मुरबियस जो दोनों अंपायर यहाँ पर लगातार 5 दिन से एक जबरदस्त यहाँ पर अंपायरिंग के काम दिखाते हुए हर एक एक फैसला बिल्कुल से खिलाड़ियों के लिए आसान बना रहे हैं और एक एक फैसला से कहीं ना कहीं टीम मुश्किल में आता हुआ, क्योंकि जब अपील होती है आउट के लिए जब अंपायर वहां पर इनकार कर देते हैं यानी उनका फैसला सुनाते हैं थोड़े से मायूस होते हैं क्योंकि वो तो चाहते हैं खिलाड़ी हमेशा चाहते हैं बल्लेबाज आउट हुए लेकिन अंपायर को इसलिए तो मैदान के अंदर तैनात किया गया है कि जो सही फैसला हो। और इस बार देखिए गेंद को उड़ाया वाना वाना ग्रेट शेक्स और नक्कीच बाबू शाह याच दरम्यान थोड्याच वेळेमध्ये ज्यांचे इथे आगमन होणार आहेत ते
खासदार आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांचा थोड्याच वेळेमध्ये या मंचावरती आगमन होणार आहे। त्याच दरम्यान कल्याण जिल्हा प्रमुख आदरणीय गोपाल लांडगे साहेबांचं सुद्धा इथे आगमन होणार आहे आणि नक्कीच खासदार साहेबांचं या मंचावरती थोड्या क्षणांमध्ये इथे आगमन होईल। बिल्कुल जी, यहाँ पर मेहमान काफी भारी तादाद से आते हुए यहाँ पर और बल्लेबाज यहाँ पर तो बल्लेबाज यहाँ पर आउट होते हुए और बिल्कुल यहाँ पर बड़ा झटका जोन बल्लेबाज यहाँ पर मैदान के ऊपर चौके छक्के लगा रहा था और यहाँ से कहीं ना कहीं बैक फुट पर जाते हुए ओलप टीम है और वापसी करता हुआ मोरबा टीम है। हेलो, धन्यवाद डीजे मास्टर। और यहाँ पर बात करेंगे इस बल्लेबाज जो आउट हुए बल्लेबाज नयन पाटिल यहाँ पर अपने टीम के लिए 20 रनों का योगदान से और टीम का टोटल अभी भी बात करेंगे यहाँ पर 38 रन और हमारे माननीय संतोष सेठ मात्रे साहब यहाँ पर इस मुकाबला का आनंद ले रहे हैं बिल्कुल काफी करीब से और काफी माननीय मंच के ऊपर मौजूद हैं। सभी मेहमानों का फिर से एक बार स्वागत है लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जगन्नाथ जो अपने टीम के कप्तान एक बड़े नाम है जगन्नाथ पुरी मंदिर जो उड़ीसा में बिल्कुल फेमस है जिसे देखने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र से भी काफी तादाद से जाते हैं ज्यादातर बुआ लोग जाते हैं बिल्कुल से ट्रेन पर भीड़ रहती है जब भी मुलाकात होती है अच्छी तरह से बातचीत होता रहता है और यही पर मैदान के पर जगन्नाथ बिल्कुल से यहाँ पर जगन्नाथ और उभर का देखा जाए तो यहाँ पर से आखिरी उभर लेकर आएंगे गेंदबाज सागर और यहाँ पर मोरबा टीम बता रहे कि हम गम की आंधियों में गुजर जाएंगे और अपने टीम को जीत दिलाने के लिए हम सागर में तो क्या समंदर में भी उतर जाएंगे। और इन टीम ने मैंने देखा इस टीम ने बड़ा अच्छा क्रिकेट से सुपर फोर तक जाने के लिए ये टीम जियो जान लगा देता है लेकिन यहां से उनके लिए थोड़ा मुश्किल बनता है मोरबा टीम को जो पिंदर के मैदान के ऊपर देखा था और चिंचोली के मैदान के ऊपर बिल्कुल से जब सेमीफाइनल फाइनल का आता है सामने तभी ये टीम है लेकिन इस बार शायद बड़ा एज लिया था आवाज तो आया था शायद बल्ला से हो बल्ला से आवाज लग रहा था अगर गेंद विकेट कीपर के हाथों पर होता तो शायद सुनील पाटिल सर का कुछ फैसला अलग होता लेकिन यहाँ पर एक रन आता हुआ अगर बल्ला से रन ना होता तो अंपायर यहाँ बताते कि लेग बाय के रूप में या बाय के रूप में तो बिल्कुल यहाँ से हम समझ सकते हैं बल्ला का एज लिया था और एक रन और टीम का टोटल अभी भी 39 रन बिल्कुल कहते हैं ना कलियों की निखार से सवाब नहीं आता और ऐसी बल्लेबाजी से गेंदबाज को दबाव नहीं आता अगर आप चौके छक्के नहीं यहां लगाओगे तो फिर कब लगाओगे क्योंकि बच्चा हुआ 5 गेंद बिल्कुल सुरेश बुलदुल और तीसरा अंपायर का मांग यहां पर बिल्कुल सुरेश पाटिल बुलदुल से विनोद सेठ पाटिल से नारायण जिनकी तरफ से यहां पर कमेंट्री के लिए 500 रुपया आता हुआ बिल्कुल हार्दिक हार्दिक स्वागत उनको बिल्कुल सर उत्तम भाई गायकोड से जिनकी तरफ से भी यहाँ पर 200 रुपया के इनामों की बरसात आता हुआ और संतोष मात्री साहब की तरफ से भी तो बिल्कुल सर हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आपको जो यहाँ पर कमेंट्री का बिल्कुल हौसला बढ़ाते हुए और मैंने यही बताया कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अमर हिलाल जा कहीं भी हो हमारे आयोजक आपसे संपर्क करना चाहते हैं आप मंच पर आकर तशरीफ रखे अमर हिलाल और चलते मैदान की तरफ और यहाँ पर देखिए कितना अच्छी गेंद जिस गेंद को रन बनाने के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं जगन्नाथ और जगन्नाथ को यही सोचना होगा भाई कंकर पत्थर क्यों मारते हो सीधा पहाड़ मारो जो वाकलन टीम के प्रदीप पाटिल ने दिखाया था बल्लेबाजी में और बिल्कुल उत्तम भाई गायकोड़ के बात करेंगे जब कुतारपड़ा टीम पालेखुर के मैदान के ऊपर फाइनल जीता और उस टीम को नाइट में एंट्री देने का बिल्कुल बड़ी एक ऐलान किया बिल्कुल उनका भी स्वागत करना चाहेंगे दिल जीता था वहां पर कुतारपड़ा टीम के खिलाड़ियों ने और यहाँ पर देखिए जगन्नाथ इस बार सोचा हम कक्कर पत्थर नहीं मारेंगे हम इस बार सीधा पहाड़ मारेंगे 6 रनों के लिए घुमाते
जा पहुंचा यहाँ पर ऊंची छलांग और 45 रन है। जैसे कहते हैं ना, शराब थोड़ी पीने से किसी का याद आता है और पूरी बोतल पीने से योगेश एकदम सामने आ जाता है, तो उसी तरह की एक आग छक्का लगने से मैच इतना दूर चला जाता है। शायद अभी तो इतना दूर नहीं गया लेकिन जाने का कोशिश है। और जगन्नाथ पाटिल बता रहे हैं, क्या हम क्या थोड़ा शरीफ हो गए, गेंदबाजी बदमाश हो गई। शायद यहाँ पर डॉट गेंद खेलने के बाद, और यहाँ पर गेंदबाज बता रहे हैं भाई, लेकिन यहाँ पर खराब फील्डिंग, कितनी बड़ी कैच गवाया, कैच नहीं संदीप सर, हम कह सकते ट्रॉफी। बिल्कुल से इस चीज से बचना होगा। जैसे कहते हैं ना भाई, एकाक लड़की हजारों लड़कों को बिगाड़ देती है, तो उसी तरह की एकाक खराब फील्डिंग है पूरी ट्रॉफी को छीन लेती है ये ट्रॉफी। क्योंकि जगन्नाथ पाटिल जिन्होंने शायद यहाँ पर छक्का लगाया उसके बाद जीवनदान, लेकिन गेंद नहीं बचा हुआ है, लेकिन एक एक रनों से मुकाबला जीत हार होता है, जो हमने पेंदर वाकलन के बीच में देखा। और फिर से हवा में इस बार फील्डर से दूर, पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन जगन्नाथ इस बार अपने आप को रोके। और देखा जाए तो यहाँ पर टीम का टोटल जा पहुंचा यहां से, बिल्कुल से यहाँ पर 47 रन बन चुका है, ऊपर का अभी भी अंतिम गेंद बचा हुआ है। तो इस अंतिम गेंद के ऊपर बल्लेबाज जगन्नाथ जिन्होंने यहाँ पर दूसरी तीसरी गेंद के ऊपर छक्का दागा था, क्या इस बार चौका छक्का दाग पाएंगे। बिल्कुल से यहाँ पर देखते हैं आखिरी गेंद के ऊपर तालियों से स्वागत है लंबी रनअप के साथ गेंदबाज। और यहाँ पर शायद डॉट गेंद या अंपायर यहाँ पर रन घोषित करेंगे, ये तो आने वाला समय ही फैसला करेगा, लेकिन देखते हैं अंपायर के फैसला का इंतजार करेंगे, कितना रन यहाँ पर क्या विकेट कीपर के अंपायर रन है या डॉट बॉल्स। बिल्कुल डॉट बॉल्स, हम भी वाकिफ थे लेकिन फिर भी अंपायरों के फैसले से पहले हम आगे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी अंपायरिंग यहाँ पर 5 दिन के पर। और संदीप सर, गलती तो हर इंसान से होता है, बिल्कुल से, और शायद इस 5 दिन के अंदर अगर हमसे भी कुछ गलती हुआ होगा तो बिल्कुल घर बैठे हुए दर्शकों और यहाँ पर जितना भी मेहमान नवाजी और खिलाड़ियों से बिल्कुल से माफी चाहेंगे, क्योंकि बोलने में भी कभी कभी गलती हो जाता है और सुनने में भी कभी कभी गलती। और यहाँ पर बात करेंगे उलप टीम, यहाँ पर टॉस हारने के बाद जिस बल्लेबाजी का जिम्मेदार मिला था, और कहीं ना कहीं वहां पर रोशन ने शुरुआत किया था 6 रनों के साथ, और टीम का टोटल अभी भी 47 है, जीत के लिए 48 रनों का जरूरत है। और टारगेट इतना बड़ा भी नहीं माना जाएगा और टारगेट इतना छोटा भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि कल जब आखिरी मुकाबला मुरबी तलुजे के बीच में हुआ था 50 रनों का टारगेट था और अली ने यहाँ पर 50 रनों का पारी खेल के टीम को जीत दिलाया था, लेकिन हमेशा ऐसा टोटल को हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि वही मुरबी टीम हमने देखा है कहीं मर्तबा तलुजे टीम को भी रोकने में कामयाब हुआ है। तो ये क्रिकेट का दस्तूर है, और चलते हैं आगे की जानकारी सुनने के लिए योगेश मुरबी की तरफ। थैंक यू सो मच बाबू साहब। दरम्यानच्या अतिथि कक्ष मध्ये सन्माननीय संतोष मात्रे साहेब उठलेसे उपस्थित होते, म्हणून तिकडे साहेबांना घ्या आपण सांडीसाठी राहिले, म्हणून तिकडे घ्या आपण आपल्या शुभ हस्ते स्वागत करावं। सन्माननीय संतोष मात्रे, सन्माननीय संतोष मात्रे स्वागत आमच्या अतिथि कक्ष मध्ये, आमच्या सांडीसे ठिलाल यांचे शुभ हस्ते। बिल्कुल सर, बालचित्र पाटिल जो कैमरा मैन नारायण गांव के, बिल्कुल सर। तो हम बहुत माजी सरपंच संतोष मात्रे यांचे स्वागत आमच्या अतिथि कक्ष मध्ये, तसेच भरत चौधरी निकलस आमचे, त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी मारुती अशोक मडबी यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत करावं। सन्माननीय भरत चौधरी साहेब, तसेच निकलगावचे आमचे सन्माननीय दत्ताशीत भोसले यांचं देखील स्वागत करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय सुरेश शेठ मडबी यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते दत्ताशीत भोसले यांचं स्वागत करावं। या दरम्यान आपण पाहतो उत्तम भाई गायकवाड यांचे देवचे पडचन, हॅलो आणि नक्कीच ज्यांची आपण इथे आतुरतेने वाट पाहत होतो योगेश मडवी त्यांची उपस्थिती इथे लाभत आहे,
खऱ्या अर्थाने स्पर्धेचं सौंदर्य आपण इथे पाहतोय, कारण ज्याप्रमाणे ही स्पर्धा आपण नक्कीच पाच रात्रीमध्ये ही स्पर्धा पाहिली, अशी शेवटची रात्र आणि या शेवटच्या रात्रीमध्ये नक्कीच या मंचावरती ठाणे जिल्हा खासदार आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांचं या मंचावरती आगमन होतंय। आपण पाहू शकता सर्व प्रेक्षकांना सुद्धा विनंती असेल की जरा जोरदार टाळ्याने ज्या व्यक्तीचं या मंचावरती आगमन होतंय, ज्याने खऱ्या अर्थाने ठाणे जिल्ह्याला विकासाचं गमन केलं, नक्कीच ज्यांच्या माध्यमातून अनेक कार्यप्रणाली आपण पाहिली ते ठाणे जिल्हा खासदार आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब, त्याच दरम्यान ठाण्याचे आमदार आदरणीय सुभाष भोईर साहेब आणि नक्कीच या मंचावरती आपण कल्याण महापौर राजेंद्र देवलेकर साहेब बरेच मान्यवर आणि सर्वात कमी वयाचे जे ज्यांना खासदार पद लाभलं आणि खऱ्या अर्थाने आज या स्पर्धेला ज्यांनी उपस्थिती दिली ते ठाणे जिल्हा खासदार आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब। तसेच कल्याण ग्रामीण आदरणीय आमदार आदरणीय सुभाष भोईर साहेब सुद्धा या मंचावरती आलेत आणि खऱ्या अर्थाने आज ज्यांच्या आपण आतुरतेने चार रात्री वाट पाहिली आणि खऱ्या अर्थाने आज या मंचावरती त्यांची उपस्थिती इथे लाभली आणि सर्वात कमी वयाचा खासदार म्हणून ज्यांना त्यांनी नाव लौकिक केले ते डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब आणि आज दरम्यान कल्याण ग्रामीण आमदार आदरणीय सुभाष भोईर साहेब सुद्धा या मंचावरती आलेत आणि खरोखरच मी आदरणीय संदीप हिलाल उर्फ शांडी शेठ यांच्या माध्यमातून आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं सहर्ष स्वागत करीत आहोत आणि फटाक्याच्या आतषबाजीने आलेल्या पाहुण्यांचं इथे स्वागत केलं जातंय, कारण आज दिवाळी दसरा नसतानाही ही फटाक्याची आतषबाजी पाहतोय आणि फटाक्याची आतषबाजी आपण ज्यांच्या नावाने इथे केली ते ठाण्याचे खासदार आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब, त्याच दरम्यान कल्याण ग्रामीण आमदार आदरणीय सुभाष भोईर साहेब आणि बरेच मान्यवर या मंचावरती त्यांच्या समवेत। तसेच कल्याण महापौर राजेंद्र देवलेकर साहेब सुद्धा या मंचावरती आहेत। तर मॅच स्टार्ट करा अंपायर आणि पुढच्या सामन्यासाठी मी विनंती करेन दिगोडा आणि अंजूर या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण मंचावरती येऊन नाणेफेक करायची आहे। तर नक्कीच प्रेक्षक आतुरतेने पाहतायत की खरोखरच आज अतिशय चांगला दिवस इथे आपल्याला लाभलाय आणि खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा आपण ज्यांच्या माध्यमातून पाहतोय राजवीर चषक 2017 हॅलो कारण फटाक्याची आतषबाजी चालू आहे, नक्कीच पंच थांबलेत, कारण आपण पाहतोय मंचावरती बरेच मोठमोठ्या व्यक्ती आपण इथे पाहतोय आणि त्यांच्या येण्याने या स्पर्धेला अजून सौंदर्य प्राप्त झालंय आणि खरोखर शांडी शेठ संदीप शेठ हिलाल उर्फ शांडी शेठ यांची स्पर्धा अतिशय लौकिक पद्धतीने आपण पाहतोय।
तर गेम स्टार्ट कारण कैलाश जोशी कालोरा मडवी व्यायाम मंडल उसाटणे अध्यक्ष रामचंद्र बालाराम मडवी तसेच स्पर्धेचे सर्वे सर्व आदरणीय संदीप फिलाल पुन्हा एकदा तर डिगोडे आणि अंजूर तर विश्वजीत मोठ्या आणि अंजूर संघाचा संघटक सुद्धा इथे आलाय तर मी अनिल ढोपरे तर नक्कीच येणार आहे 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 48 धावांची गरज असताना या अच्छा रात्रीचा तिसरा सुपर 8 चा सामना आपण इथे पाहतोय तो म्हणजे मोरबा विपक्ष वलभ पहिला फलंदाजी करताना वर्वे संघ वलभ संघाने 47 धावा बनवून 48 धावांचं योगदान ठेवलंय ते मोरबे संघासमोर पाहूया हा चेंडू मात्र अप्रतिम सीमा पलीकडे 6 धावा तर नाणेफेकीसाठी मी विनंती करतोय कल्याण जिल्हा प्रमुख आदरणीय गोपाल जी लांडगे साहेब यांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते आत्ताचा जो पुढचा सामना होणार आहे एक वीक फाईट दिगोडे वर्सेस अंजूर या दोन संघांमध्ये सामन्याची नाणेफेकी केली जात आहे गोपालजी लांडगे साहेबांच्या शुभ हस्ते दिगोडे आणि अंजूर या सामन्याची नाणेफेकी होत आहे नक्कीच अतिशय चांगला सामना रंगतोय 48 धावांची गरज असताना एक उत्तुंग षटकार ठोकलाय तो सागर याने ज्या सागर याने पहिली 50 धावांची बहादार खेळी या मैदानामध्ये केली तो सागर या मैदानामध्ये हाकार माजवताना वलभ संघाविरुद्ध अजून एक हनकणी षटकार आणि या षटकाराने मात्र मोरबे संघाची धावसंख्या जाऊ पोहोचते ती 13 वरती नक्की क्या बात है अप्रतिम अप्रतिम असा संगीत डीजे ऑपरेटरच्या माध्यमातून परंतु पाव्या मैदानामध्ये आहाकार माजवतोय फलंदाज येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवरती घनागती प्रहार करतोय आणि दोन षटकार अजून या फलंदाजाच्या बॅट मधून निघालाय तो सागर अप्रतिम फलंदाज 48 धावांची गरज हा चेंडू लेगची दिशा सोडून जाणारा चेंडू पंच आमच्याकडे वळतायत अवांतर धाव संख्येमध्ये भर याच दरम्यान वैभव शेट गायकवाड यांचं सुद्धा इथे आगमन होतंय मी साहेबांना विनंती करेन की या आपण मंचावरती स्वागत आहे आपलं कारण आपण पाहतोय की मंचावरती आणि नक्कीच क्षेत्ररक्षण थोडस कुठेतरी पायतान होणार दिसतंय कारण ज्या पद्धतीने योगेश मडवे आपण सामना पाहतोय वलभ वर्सेस मोरबा 48 धावांची गरज आणि 48 धावा कोणत्या पद्धतीने बनवतोय ते मात्र वलभ मोरबा संघ आपल्याला पाहायचंय कारण सुरुवात अतिशय चांगली कारण धाव संख्या बघायला मिळतंय ती 16 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर सुरुवात अतिशय चांगली म्हणजे अजून येणारे 18 चेंडू आणि विजयासाठी 32 धावांची गरज कारण याच मैदानामध्ये आपण या सामन्या अगोदर एक सामना पाहिलाय की 55 धावांचं आव्हान असताना तो आव्हान सुद्धा सहजरित्या पार केला तो जीजी स्वट वाकलन संघाने परंतु आता 48 धावांचं आव्हान कोणत्या पद्धतीने पार करेल तो मात्र इथे मोरबा संघ हे आपल्याला पाहायचं आहे कारण नक्कीच
वलभ संघाचं एकच टार्गेट असेल योगेश मडवी की या मैदानामध्ये ज्या फलंदाजाने अतिशय अप्रतिम फलंदाजी केली तो फलंदाज सागर याला टार्गेट करावा लागेल, परंतु जर मोरबा संघाला सामना जिंकायचा असेल तर नक्कीच सागर याला शेवटच्या क्षणापर्यंत किल्ला लढवावा लागेल, कारण धाव संख्या 48 धावांचा पाठलाग इथे करायचा आहे तो मात्र मोरबा संघाला। दुसरा षटक वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि सांघिक कोट्यातील दुसरे षटक घेऊन आलाय तो प्रवीण पाटील। प्रवीण पाटीलचा हा चेंडू नक्कीच टप्पा खाल्यानंतर चेंडू थोडासा स्विंग होतोय, आतमध्ये येतोय, फलंदाज मात्र निश्चितच बघत राहिला, चेंडू निर्धाव जातोय, धाव संख्या स्थिर ती मात्र 18 धाव संख्येवरती 16 धाव संख्येवरती। दरम्यान हा चेंडू मात्र नक्कीच कार्पेटचा वापर बघायला मिळतोय, एक धाव घेण्याचा प्रयत्न फलंदाज करण याच्या रूपाने एका धावेने, करण वैयक्तिक पोहोचतोय 2 वरती, संघ जाऊन पोहोचतोय तो 7 वरती, नक्कीच 17 वरती, करण प्रेक्षकांची अतिशय अलर्ट गर्दी कारण आजची मेगा फायनलची रात्र। हा चेंडू मात्र पंच सुनील पाटील अवांतर घोषित करतात आणि अवांतरच्या स्वरूपामध्ये धाव फलकावरती धावा लागल्यात त्या 18 धावा आणि या स्पर्धेचा हा 90वा वाईट चेंडू। अप्रतिम स्कोरर आमचे जयेश पाटील आणि दुसरे स्कोरर नितीन पाटील यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय, नक्कीच पुन्हा एकदा प्रवीण पाटीलचा हा चेंडू चेंडू खेळून काढलाय लॉंगांच्या दिशेने, सुंदर क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतंय, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता परंतु कुठेतरी नक्कीच फलंदाजाने एक चांगला पवित्रा घेताना दिसलाय, कारण ज्या पद्धतीने योगेश मडवी आपण पाहतोय धाव संख्येला कुठेतरी एक चांगली धाव संख्या बघायला मिळते ती मात्र मोरबे संघाकडून धाव संख्या येते ती 19 आणि अशा रीतीने पुन्हा एकदा प्रवीण पाटील गोलंदाजाच्या बॉलवरती सज्ज होतोय, फलंदाज केल्यासाठी सज्ज होतोय तो करण। हा चेंडू मात्र अतिशय चांगला चेंडू, कारण पहिल्या षटकामध्ये आपण 16 धावा पाहिल्या परंतु या षटकामध्ये कुठेतरी धावांवरती आला बसवलाय तो मात्र प्रवीण याने, कारण 48 धावांचा पाठलाग करत असताना नक्कीच आपण पाहतोय मंचावरती कल्याण लोकसभेचे लोकप्रिय खासदार आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब या सामन्याचा आनंद घेताना, त्याच दरम्यान कल्याण ग्रामीण लोकप्रिय आमदार आदरणीय सुभाष भोईर साहेब, तसेच कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे महापौर राजेंद्र देवलेकर साहेब, त्याच दरम्यान आदरणीय वैभव शेट गायकवाड साहेब सुद्धा या मंचावरती, तसेच शिवसेना कल्याण जिल्हा प्रमुख आदरणीय गोपालजी लांडगे साहेब, बरेच मोठमोठ्या व्यक्ती आपण या मंचावरती पाहतोय। दरम्यान हा चेंडू मारण्याचा प्रयत्न चेंडू खेळून काढला लोंगांच्या दिशेने, अप्रतिम 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 क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते, फलंदाज बाद होते कारण मेहनतीची पराकाष्ठा इथे करताना दिसतोय तो मात्र वल्लभ संघ आता नाही तर कधीच नाही आज समीकरण मैदानामध्ये बघायला मिळतंय, कारण 48 धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र ज्या धाव संख्या इथे वेगाने उभारण्याचा प्रयत्न केलाय तो मात्र करण आणि सागर यांनी, परंतु करण याचा अप्रतिम झेल घेतलाय तो मात्र वल्लभ संघाचा क्षेत्ररक्षण आपल्याला बघायला मिळतंय रोशन याच्याकडून। तर धाव संख्या आपण पाहतो ती 19 धावा, 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 48 धावांची गरज असताना आता मात्र येणारे चेंडू 12 आणि विजयासाठी 29 धावांची गरज, कोण जिंकेल हा सामना, कारण जिंकणारा संघ नक्कीच सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय होईल, कारण जी मेहनत आपण 5 रात्रीमध्ये केली ती रात्र ही रात्र आपली नक्कीच फायद्याची असणार आहे, कारण जिंकणारा संघ
किमान इथून सुरुवातीला 40,000 पारितोषिक घेऊन जाऊ शकतो, कारण चौथ्या क्रमांकासाठी 40,000 पारितोषिक, कारण पहिला येणारा संघ कोण असेल, 2 लाखाचा मानकरी कोण ठरणार। आता वेल आणि कालच ठरवेल, अतिशय अप्रतिम चांगला चेंडू बघायला मिळतोय। आता मात्र सामना इथे रंगतोय, तो मात्र सागर विरुद्ध वलभ असाच रंगणार आहे, कारण या सागराला मैदानामध्ये अप्रतिम फलंदाजी करावी लागेल। ज्या सागराने मैदानामध्ये 50 धावांची पहिली 50 लगावली आणि अशा रीतीने फलंदाज बाद अजून एक हादरा मिळतोय, तो मात्र मोरबा संघाला कुठेतरी वर्चस्व गाजवताना दिसतोय, तो मात्र वलभ संघ। कारण नक्कीच आपण पाहतो योगेश मडवे आजची शेवटची रात्र, मेगा फायनलची रात्र, आणि अप्रतिम प्रेक्षकाने या स्पर्धेला उत्तुंग प्रतिसाद दिलाय। तो 5 रात्रीमध्ये खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचे शिल्पकार, ज्यांच्या माध्यमातून 2017 नाईटचा एक अप्रतिम क्रिकेटचा खेळ, क्रिकेटची रजनी या मैदानामध्ये बघायला मिळाली, ते या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा आदरणीय संदीप हिलाल उर्फ चांडीशेट यांच्या माध्यमातून एक नावाने रूपाने आलेली स्पर्धा आपण इथे या मैदानामध्ये साठना मैदानामध्ये पाहतोय। कारण या स्पर्धेला लाईव्ह टेलिकास्ट सुद्धा दाखवला गेलाय, 190 देशांमध्ये या स्पर्धेचा लाईव्ह टेलिकास्ट बघितला जातोय, कारण खऱ्या अर्थाने एवढी मोठी स्पर्धा आणि एवढ्या प्रेक्षकांना बसण्याची व्यवस्था स्टँड उपलब्ध करून दिलेत ते आमच्या स्पर्धेचे लाडके आयोजक आदरणीय चांडीशेट यांच्या माध्यमातून। दरम्यान हा चेंडू बिगी 6 धावा अप्रतिम फटका, मी पहिलंच म्हटलं की हा सामना आता असेल वलभ विरुद्ध सागर असा सामना रंगतोय। आता येणारे 9 चेंडू 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आता मात्र 23 धावांची गरज। नक्कीच हा चेंडू मात्र वाईट जातोय, खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय या स्पर्धेला चांडी शेट यांच्या नक्कीच खंबीरपणे पाठीशी राहिले, ते आमचे अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बालाराम मडवी साहेब जे कालोराम मडवी या मंडळचे अध्यक्ष आहेत, तसेच सुभाष रसाल निलजे यांचं सुद्धा इथे आगमन होतंय या पण मंचावरती। हा चेंडू अप्रतिम चेंडू, परंतु चेंडू वाईटची दिशा, पंचावंतर घोषित करतात, ऑफ स्टंपची बाहेर जाणारा चेंडू आणि अशा रीतीने एका धाबेने भर होतोय, धाव संख्येमध्ये वाढ होतोय, एका धावेने 27 धावा, येणारे 8 चेंडू आणि विजयासाठी आता मात्र 21 धावांची गरज। 8 चेंडू 21 धावा, मागचा सामना आठवतो की काय असं चित्र आपल्याला दिसतंय, कारण मागच्या सामन्यामध्ये 8 चेंडू आणि 24 धावांची गरज असताना तो सामना जिंकला होता वाकलन संघाने। आता मात्र समीकरण बदलते, येणारे 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 21 धावांची गरज। गोलंदाज मात्र अप्रतिम मारा करतोय, तो समीर पाटील कुठेतरी बांधून ठेवला तो सागर याला, येणारे 7 चेंडू आणि 21 धावा। दरम्यान हा चेंडू अप्रतिम अप्रतिम षटकार, स्टेज वरती पाहुण्यांचा इथे सत्कार होतोय या षटकाराने। तर याच दरम्यान तलोजाचे सर्वे सर्व आदरणीय ताईशेट पटेल आणि जव्हाशेट पटेल इथे आल्यात, तर त्यांना विनंती असेल की या आपण मंचावरती ज्यांच्या माध्यमातून आपण अतिशय मोठी स्पर्धा पाहतोय ते सर्वे सर्व आदरणीय ताईशेट पटेल आणि जव्हाशेट पटेल साहेबांना विनंती असेल की या आपण मंचावरती।
याच दरम्यान आता समीकरण वाढतंय, येणार सहा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आता मात्र 15 धावांची गरज, कारण मागांचा सामना इथे आठवला जातो योगेश मडवी, त्याच सामन्याची पुनरावृत्ती इथे केली जाते, कारण मागाशी झालेला सामना 8 चेंडू 24 धावांची गरज होती आणि त्याच्यानंतर हा सामना 8 चेंडू 21 धावांची गरज असताना आता समीकरण वाढलाय, येणारे 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 15 धावांची गरज, अप्रतिम फलंदाजी। मी पहिलेच म्हटलं होतं की सामना रंगलाय तो मात्र सागर आणि वलप यांच्यामध्ये, कारण ज्या सागराने या स्पर्धेला या राजूर चषकामध्ये पहिली 50 लगावली तोच सागर मैदानामध्ये हा आकार माजवतोय, ज्याने 9 चेंडूमध्ये 27 धावांची बहादार केली केली। आता मात्र अस्तित्व टिकवा लागेल की काय या मैदानामध्ये सागर याला। स्ट्राइक एंड साठी कैलास हा चेंडू मात्र 55 तर घोषित करतात, एका धावेने वाढ होतय, समीकरण बदलतय, येणारे चेंडू आता 6 आणि जिंकण्यासाठी 14 धावांची गरज, हाय व्होल्टेज सामना, अप्रतिम सामना मैदानामध्ये बघायला मिळतय, कारण जिंकेल कोण, जिंकणारा संघ पुढे जाईल, कारण नक्कीच पुन्हा एकदा वाईट चेंडू, कारण योगेश मडवी आपण असाच सामना पेंदर आणि वाकलनमध्ये पाहिलाय, अनिकेत पाटील याने अनिकेत नेरुरकर याने 4 चेंडू शेवटच्या षटकामध्ये पेंदर संघाकडून वाईट फेकले आणि तो सामना गमवावा लागला, तसाच सामना इथे रंगतय, येणारे 6 चेंडू 13 धावा, मारण्याचा प्रयत्न परंतु झेल सुटलाय, म्हणजे झेल सुटला अशा क्षणाला झेल सुटलाय कि फलंदाज वाचलाय, एक धाव वाढली, कारण एके धावेचा महत्व शेवटच्या क्षणाला कळेल। आता मात्र समीकरण वाढतंय, येणारे 5 चेंडू आणि 12 धावांची गरज, फक्त 2 मोठे फटके आणि फक्त 4 निर्धाव चेंडू या सामन्याचं चित्र बदलवू शकतो। तर ताहिरशेट पटेल आणि जव्वाशेट पटेल यांना विनंती असेल की या आपण मंचावरती नक्कीच आमच्या आदरणीय ताहिरशेट पटेल तलोजाच्या सर्वे सर्वा ज्यांच्या माध्यमातून आपण अप्रतिम स्पर्धा पाहतोय ते ताहिरशेट इथे येतात। हा चेंडू षटकार, अप्रतिम अप्रतिम फलंदाजी, अक्षर क्षणाला फलंदाजी केली या फलंदाजाने, सागर याने खरोखरच मागच्या सामन्याची पुनरावृत्ती केली आणि अप्रतिम फलंदाजी करत असताना आता मात्र समीकरण येऊन टेपलाय, 4 चेंडू आणि 6 धावा, टीम मीटिंग घेण्यासाठी विवश केलंय तो मात्र वलप संघाला, कारण 17 मिनिट विकेट वरती तग धरून आहे हा खेळाडू, कारण कोणत्याही क्षेत्रामध्ये जर आपल्याला विजय करायचा असेल तर तग धरणं हे महत्वाचं असतं। आता मात्र येणारे 4 चेंडू 6 धावांची गरज, अप्रतिम संघर्ष केला जात आहे, कारण प्रयत्नार्थी परमेश्वर, प्रयत्न करा यश लाभेल, चौकार आणि अशा रीतीने पूर्ण पूर्ण प्रेक्षकांची मन जिंकतोय आणि या मंचावरती आमचे मान्यवर बरेच मोठे हस्ती या मंचावरती आहेत, या मान्यवरांचा नक्कीच या मैदानामध्ये अप्रतिम खेळ करतोय आणि दिल जिंकतोय तो फलंदाज सागर, अप्रतिम फलंदाजी, येणारे 3 चेंडू आणि 2 धावा, रक्ताच्या अश्रू रडवले ते मात्र वलप संघाला, कोणी विचार केला होता की हा सामना मोरबा संघ या क्षणाला जिंकेल, कारण ज्या पद्धतीने खेळ केला होता वलप संघाने, परंतु त्यांच्या हातातून खेचून काढलाय, विजय खेचून काढलाय आणि आपल्या पदरात टाकलाय, टाकतोय तो मात्र सागर पाटील, 11 चेंडूमध्ये 37 धावांची बहादार खेळी मैदानामध्ये, 3 चेंडू 2 धावा आणि नाणेफेकीच्या आधारावरती 1 सुद्धा चालू शकेल। हा चेंडू मात्र निर्धाव चेंडू आणि या स्पर्धेचा 299वा चेंडू डॉट जातोय, अप्रतिम, जरा जयेश पाटील साठी जोरदार ताल्या द्या, जयेश पाटील आता 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज, जर
300वा चेंडू डॉट गेला योगेश मडवी, 300वा चेंडू जर डॉट गेला तर मात्र सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा वल्लभ संघ शिरकाव करेल की काय असा विषय होऊन ठेपलाय। येणारे दोन चेंडू जिंकण्यासाठी दोन धावांची गरज। अप्रतिम अप्रतिम जत्रेतले भोंगे सुद्धा वाजायला लागलेत कारण सामना एवढा मजेदार होतोय मैदानामध्ये। प्रत्येक सामना हाय व्होल्टेज, प्रत्येक सामना मकालदाचा ठोक चुकवणारा होतोय या मैदानामध्ये। येणारे दोन चेंडू दोन धावा पाहूया। आणि हा चेंडू आणि 300वा चेंडू डॉट गेलाय। पुन्हा एकदा मजा येते। आता मात्र एक चेंडू आणि दोन धावा। आता एक चेंडू आणि दोन धावा। ज्या सागर पाटील याने आकार माजवलाय त्या सागर पाटील याला मात्र इथे मैदानामध्ये दोन चेंडू निर्धाव फेकलेत। गोलंदाज मात्र सतीश याने आता मात्र समीकरण येऊन फेकलाय। एक चेंडू आणि दोन धावा। सागर रुपेकर, सागर उलवेकर मैदानामध्ये तग धरून काय होईल सामन्याचा अंत। येणार एक चेंडू आणि दोन धावा। नाणेफेकीसाठी फक्त एका धावेची गरज। नुटलसे निलेश म्हात्रे यांच्याकडून जर मुरबा संघ जिंकलाय तर 500 रुपये दिले जातील। यालाच म्हटला जातोय क्रिकेटचा खेल कारण या क्रिकेट मध्ये कित्येक लोकांना आपण आनंद प्रस्थापित करताना पाहतोय तर कित्येक लोकांना दुःख लपवताना पाहतोय। हा खेल मैदानामध्ये क्रिकेटचा खेल। येणारा एक चेंडू जिंकण्यासाठी दोन धावा। एक जरी काढली तरी मोरबा संघ विजय होऊ शकतो कारण तीन चेंडू दोन धावांची गरज होती परंतु तो समीकरण एक चेंडू दोन धावा येऊन ठेपलाय। प्रेक्षक वर्ग जेव्हा हा चेंडू डिलिव्हर होईल त्यावेळेला आपण सर्वांनी टाळ्याच्या गजरामध्ये चेंडूचा स्वागत करायचं आहे। अप्रतिम चेंडू कारण ज्या पद्धतीने गोलंदाजाने अस्तित्व जीवित केलंय कारण कोण होणार या स्पर्धेमध्ये, कोण या सामन्यामध्ये विजय संपादन करणार आता वेळ आणि कालच ठरवेल। या चेंडू नंतर या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळेल। येणार एक चेंडू विजयासाठी दोन धावा। समोर आहे फलंदाज। ज्या फलंदाजाने आहाकार माजवलाय तो फलंदाज सागर। जर सागर याने ही धाव काढली तर सागर होईल हिरो आणि जर हा चेंडू निर्धाव गेला तर हा गोलंदाज होईल हिरो। आणि हा चेंडू जिंकतोय तो मात्र मोरबा संघ कारण विकेट कीपर याने केली गलती। निर्धाव चेंडू होता योगेश मडवी, विकेट कीपरनी चेंडू सोडला आणि मात्र मोरबा संघ इथे विजय समाप्त करतोय। क्या बात है। आणि